नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस चैनल। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके साथ आज का ऐसा टॉपिक लेके जो है ऑन फेस्टिवल्स। कैसे हम त्योहारों की एंजॉयमेंट करें और त्योहारों की एंजॉयमेंट करने से क्या हमारी जिंदगी की अंदर ट्यूनिंग होती है, हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है वो कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज के टॉपिक के ऊपर और अपने मन के दिए को कैसे हम हमेशा ऑन रखें, लिट रखें, उसके लिए भी क्या थेरेपीज हम ये फेस्टिवल में यूज कर सकते हैं। तो सुनते हैं सबसे पहली बात, क्या करते हैं ये फेस्टिवल्स, क्या लेके आते हैं ये फेस्टिवल्स। ये फेस्टिवल्स एक संदेश लेके आते हैं। क्या है वो संदेश? वो संदेश है जैसे आपने सब फेस्टिवल्स में देखा होगा कि एक गेट टुगेदर होता है, वी शेयर फूड, वी एंजॉय, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत सारे लोग चैरिटी भी करते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट सबके प्रिंसिपल्स ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल डिफरेंट होते हैं। सम पीपल एंजॉय इन देयर फ्रेंड्स कंपनी, सम पीपल गो आउट एंड डू चैरिटी, सब डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते हैं। तो क्या एग्जैक्ट संदेश है फेस्टिवल का? फेस्टिवल इज ऑल अबाउट जस्ट लुकिंग इनसाइड यू एंड शेयरिंग दैट इनर स्ट्रेंथ विद एवरीवन अराउंड यू। इनर स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो वो अपने साथ एक वाइब्रेशन लेके आता है और वही वाइब्रेशन हम पूरे जगत को दे सकते हैं। और कैसे दे सकते हैं? लिटरली हम अपने पे फोकस अगर रखेंगे फॉर सम कपल ऑफ मिनट्स ड्यूरिंग द डे तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, जैसे कि मैं पहले भी बताती हूँ। लेकिन फेस्टिवल में जो भी आप चीजें करेंगे उसका पावर मल्टीप्लाई बाय सो मेनी टाइम्स होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा किया है, किसी ने कुछ मांगा है और आपने उसको कहा है कि अभी नहीं? तो ये वक्त है, बिकॉज दिवाली इज ऑल अबाउट गिविंग। दिवाली इज नॉट ओनली अबाउट जस्ट लिटिंग दियाज इन योर होम, इट्स अबाउट गिविंग। दिवाली इज दिया। दिया मीन्स आपने किसको क्या दिया। किसी ने सपोर्ट मांगा, आपने नामी भरी है तो प्लीज गो एंड सपोर्ट दैट पर्सन, हामी भर दीजिए। किसी की जिंदगी में खुशियां भर दीजिए, बिकॉज यही चीजें आपके पास मल्टीप्लाई होके आएगी। नेवर से नो टू एनीवन, बिकॉज यू नेवर नो somebody will reflect that no in your life। और जब आप किसी से no सुनेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो इसीलिए सिर्फ दिया ना जलाएं, दिए के साथ साथ अपने मन के दिए को भी ऑन रखें। That is a yes to everyone around you। और ये बहुत important है। यूजली लोग शेयर करते हैं, गिफ्ट शेयर करते हैं, महंगे महंगे तोहफे देते हैं, ड्राई फ्रूट्स देते हैं, बहुत सारी चीजें देते हैं। उनका फोकस, मेन एम्फेसिस होता है कि हम अच्छे से अच्छा गिफ्ट दें, सोना दें, बट सबसे इम्पोर्टेंट है आप इनर स्ट्रेंथ दें। बी सो मच इन पावर कि सामने वाले को आपका पावर मिलना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वी आर सर्क्यूलेटिंग इन द एज ऑफ कलयुग। बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस पूरे ब्रह्मांड में है, तो ये क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरे ब्रह्मांड के वाइब्रेशंस को क्लियर करने के लिए एक का मन भी अगर स्ट्रांग हुआ तो कितने मन स्ट्रांग हो जाएंगे। इट इज वेरी इम्पोर्टेंट ये फेस्टिवल के टाइम पे अच्छे कपड़े जरूर पहनिए, दिया जलाएं, बहुत स्वीट्स बनाएं, डिस्ट्रीब्यूट करें, बट एट द सेम टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रायोरिटी इज टेकिंग सेल्फ केयर। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, वर्क ऑन योर सेल्फ, नेवर से नो टू एनीवन, से यस, कंप्लीट योर लाइफ विद अ यस। क्योंकि आप यस जब किसी और को बोलेंगे ना तो आपके अंदर की एनर्जी फ्लोइंग रहेगी। किसी को नो बोलने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी का जो फ्लो है वो रुका हुआ है, आप वेट कर रहे हैं। डोंट वेट, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट आपको नहीं पता है कि आपकी जिंदगी में क्या हो जाएगा या उनकी जिंदगी में क्या हो जाएगा। क्षण क्षण में जिंदगी बदल रही है, क्षण में जिंदगी जाएगी भी। सो प्लीज डू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी वन अराउंड यू, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यस यू योर सेल्फ। आपका अपना साथ अपने लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुद को क्या दिया ये ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब खुद को
फ्लरिश करेंगे विद लव पीस हार्मनी तो डेफिनेटली यू विल रिफ्लेक्ट दैट टू अदर्स तो जिंदगी यस हो ही जाएगी तो चलिए सब एम्ब्रेस करें गले लगाए ये यस को अपनी जिंदगी में एंड से अ यस इन योर लाइफ टू ईच एंड एवरीथिंग हैपनिंग एंड एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे कम टू यू आई लव यू ऑल आई ब्लेस यू ऑल एंड मे दिस फेस्टिवल लाइट योर इनर दिया एंड यू गिव वट एवर यू हैव इन योर लाइफ जस्ट अ स्माइल ऑल्सो विल चेंज सो मेनी पीपल ऑल अराउंड यू बिकॉज स्माइल इज कंटेजियस सो बी वेरी स्माइलिंग एंड पीसफुल फ्रॉम इन साइड आई लव यू ऑल आई ब्लेस यू ऑल एंड विश यू अ वेरी 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 हैप्पी दीपावली थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो नमस्ते प्रणाम